हरियाणा के हिसार के गांव सात रोड के दर्जनों ग्रामीणों ने मॉडल टाउन से जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर हल्ला बोल दिया। कार्यालय का घेराव करते हुए ग्रामीणों ने क्षेत्र में पीने के पानी की पाइपलाइन बदलने और पानी की चोरी रोकने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुचारू नहीं है और क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए ग्रामीण आपस में रकम इकट्ठा करके ट्यूबवेल का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रामीण नरेश पुनिया के अनुसार नहर से वाटर वर्कर्स तक पानी की सप्लाई की लाइन को खेतों के जमींदार बीच में तोड़कर पानी की चोरी करते हैं। इसके कारण ग्रामीणों तक पूरा पानी नहीं पहुंच पाता। इस मामले में ग्रामीणों ने शिकायतें भी दी हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। प्रमोद मेहरा ने बताया कि पब्लिक हेल्थ ग्रामीणों का साथ नहीं देता। अधिकारी हर बार टरकाने वाला काम करते हैं। वह सरकार से मांग करते हैं कि पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पाइपलाइन बदली जाए। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलने के बाद भी अभी तक हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। अगर प्रशासन और सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम सब ग्रामीण बड़े स्तर पर आकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हिसार प्रशासन और सरकार की होगी। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। सर, हम गांव सात रोड कला से आए हैं। ये मेरे पूरे गांव के 36 बरादरी के लोग हैं। हमारी समस्या है मेन पीने के पानी की, और हमने बहुत बार इसका यहाँ एप्लीकेशन दी है, सिवाय आश्वासन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अब हमने बिल्कुल अपना एक रूप बना लिया है आंदोलन का। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, इस आंदोलन का रूप और बढ़ता ही जाएगा, घटने का नाम नहीं है। हमने बार बार जो हमारे पानी की समस्या है, वो नहर से हमारे वाटर वर्क्स तक जो वाटर कोर्स है उसके पाइप जमींदार बीच में तोड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने अपील की है प्रशासन से। प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारी कोई मदद की जरूरत है गाँव लेवल की बात, वो गांव पूरा प्रशासन के साथ है, सिवाय आश्वासन। पीछे एस्टीमेट की बात भी आई थी, 2.5 करोड़ का एक बार, 4 करोड़ का एक बार हमारा एस्टीमेट भी पास हुआ था वाटर कोर्स के लिए, नहर से वाटर व्यवस्था। उसमें भी बात आई कि हमने एस्टीमेट पास करवा दिया, बाद में फिर इधर लेटर आया एससी ऑफिस, यहाँ से डिनाइटी के लिए भेजा, भी डिनाइटी बना के भेजा। डिनाइटी इन्होंने तैयार की, फिर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं किसी मंत्री या चीफ मिनिस्टर की किसी का फ़ोन करवाओ तब पैसा डालेगा। यहाँ तो लगभग कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हैं, कार्रवाई नहीं करते। ये समस्याएं कम से कम पिछले 2 साल से, और हमने बार बार उन लोगों को भी समझाया है, उनको माफ़ भी किया है, पंचायती तौर पर माफ़ किया है, थाने में जाके ही माफ़ किया है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी उनकी मिली भगत है, बोलते हैं 4 आदमी आगे 6 आगे उन्होंने माफ़ी मांग ली। माफ़ी बार बार, कितनी बार दोगे माफ़ी? गांव 28,000 की आबादी का मेरा गांव है, उनको पीने के पानी के लिए 4 आदमी आगे माफ़ी, चलो रियलाइज होता है, कम से कम उस पर अमल तो हो, उसके बाद एक्शन तो हो, पानी तो मिले। 28,000 की आबादी का गाँव पीने के लिए पानी है, तरस रहा है। और सात रोड में इतने टैंक बने हुए हैं, मेरे ख्याल से हिसार जिले में किसी गांव में होंगे स्टॉक के लिए। और हमारा जो मेन वाटर कोर्स है वो भी अपने बालसमंद नहर में है, जो कि कभी नहीं रुकती, कोई सरकार के ऊपर से ही कोई गाइडलाइन होती है सफाई की तो ही रुकती है, अदरवाइज रेगुलर पानी चलता है। तो इस पानी की कोई कमी नहीं, कमी है तो वो सिर्फ एक्शन लेने की, प्रशासन सख्त नहीं हो रहा, उनके जो चोरी कर रहे हैं पानी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज कर रहा। हमने पहले तो सोचा कि हम छोटे अधिकारियों से ही मिल लें, क्या पता हमारी समाधान कर दें, क्योंकि बार बार इनके पास आए हैं, अभी भी इनको बार बार कहा है कि आप लोगों ने पहले भी हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया था, अब हम आपसे फाइनली डिसीजन मांगते हैं कि आप क्या करोगे। हम इसके आश्वासन पे इधर ही उन्होंने बोला कि 10 से 20 मिनट में हम लेटर बनाते हैं, एक्शन लेंगे इसका, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम जितने अनेकों प्रकार, जितने भी प्रकार हमने इसके लिए संघर्ष जितना भी होगा बढ़ चढ़ के हम इसको बढ़ाते ही रहेंगे। एससी से मिलेंगे, डीसी से मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर तक जाएंगे,
परंतु हमने अब ठान ली पूरे गांव ने कि इसके इनके खिलाफ कार्रवाई करके हमारी पानी की प्रॉपर रेगुलर सही सप्लाई करवा के ही दम लेंगे। सर एक्चुअली में तो यही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, काम जो प्रशासन का वो पंचायत ने करना पड़ता है। पीछे भी रिपोर्टें हुई थी, अभी भी रिपोर्टें हुई थी, अभी भी मेंटेनेंस का काम किया था, फिर दोबारा साइपन टूटे हुए जी, अभी पांच ट्यूबवेल चल रहे हैं जी, एक ड्राम तेल का लेके चंदे से पैसे करके तीन मोटर से चले हुए जी। हमने इनको बोला जी आप गांव वाली लाइट से जुड़वा दो, तब तक नहर भी आ जाएगी तो ताकि 18 घंटे तो पानी कंटिन्यू चल जाए जी, वो भी इनके पास परमिशन लेने का समय नहीं है जी, बोलते हमारे अधिकारी नहीं मानते जी, ऊपर अधिकारी लेवल पर बात करते वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम तो यही चाह रहे जी हमारा काम हो, जो चोरी कार्य करता है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी, उनको बख्शा नहीं जाए जी। हर बार होता है जी गांव वाले कहाँ जाएंगे सरपंच के पास जी, सरपंच कहाँ से पानी देगा जी, जितनी मेहनत करते हैं मेहनत करके पानी लेके आए जी, वही आके आके यहाँ तो मोरी में पूरा पानी है, अगली मोरी में पानी नहीं है जी, कहाँ गया जी पानी, पानी खेत में जा रहा है जी, वो पता ही नहीं लग रहा कहाँ से सुराख मिला रखी है जी बोर के अंदर जी। हम तो यही अभी आए जी, प्रशासन बोल रहा जी हो जाएगा, अभी 10 मिनट में लेटर टाइप करके भेज देंगे, हम बोल रहे डीसी मैडम के पास में जाएंगे, ये बोल रहे हम करवा के देंगे, कुछ नहीं हो रहा जी। पीछे 4 करोड़ का एस्टीमेट पास हुआ था, बला भी डल जाएगा जी, उस टाइम भी बला ऊपर सिफारिश करो जी, जिसका कोई मंत्री नहीं होता जी, क्या उस पंचायत का काम नहीं होता जी, सरकार के पास वोट के समय आता जब तो बोलते हर एक मंत्री आता जी हम ये करा देंगे, जैसे हम उठते जी हम आपका ये काम कराएंगे, हम आपका ये काम कराएंगे जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। फिर उसके बाद में 2.5 करोड़ का बला वो कैंसिल हो गया, बला 2.5 करोड़ का दोबारा फिर एस्टीमेट बनाया जी, वो 2.5 करोड़ का भी अब कल फैल है, कल की डेट में मेरे पास फिर जी आया है, मैं दोबारा एस्टीमेट फिर बनेगा जी, क्या जी ये बार बार एस्टीमेट, मेरा तो समय नहीं 5 साल के लिए बने थे जी, 2 महीने बचे हुए जी, 2 महीने हमारा पानी का समाधान को नहीं, आज 5 साल के अंदर जी, आज की नहीं चोरिया पीछे से जी, 20 साल पुरानी लाइन है जी, जो पहले वाटर वर्क से नहर तक बिछी हुई जी, क्या प्रशासन के पास 28 किलो के लोह की लाइन दबाने के लिए पैसा नहीं है जी, यह तो एक बकवास राजनीति से सवा कुछ नहीं है जी। प्रशासन चाहता मंत्री से भी नहीं, प्रशासन चाहता तो जी एक दिन में 28 किलो की लाइन दबा सकता, क्या लाडवा गांव हमारे से पीछे है जी, यहाँ का बजट था कि वहाँ भी लगा देते जी, अभी बनाया जी तुरंत उसके साथ, उससे पहले मेरा एस्टीमेट था जी, वहाँ हो गया जी, क्यों उधर राजनीति का काम ज़्यादा है, मंत्री लेवल पर ज़्यादा है जी, हमारे वो मंत्री के हमारा है नहीं कोई मंत्री जी, अभी मौके विधायक जोगीराम जी बन रहे वो बेचारे अपने सिफारिश कर रहे हैं जी, वो भी क्या करे जी एक टाइम जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.